सुनिए साहब, आज हम पढ़ने वाले 10वीं क्लास के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 1 के एचसीएफ कैसे निकालते हैं और उसे कैसे हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कैसे करते हैं। वो आप वहां तक वीडियो देख लिए होंगे, तो यहां से वीडियो आप देख रहे होंगे हम उम्मीद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करते हैं। बोलता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक है। देखिए ध्यान से, ये कहना चाहता है कि 6q, ये जो हमारा लिखा है ना बार बार 6q+1, 6q+3, 6q+5, इसका मतलब ये है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे होंगे आप तो समझ में आया होगा। 6q+1 का मतलब bq+r, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला का पालन यहाँ हो रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, bq+r लिख सकते हैं, bq+r। देख रहे हैं इसी फॉर्मूला पर सब के सब ये पालन हो रहा है। इसका मतलब ये है, जहां जहां b है ना वहां वहां 6 6 6 6 6 आ रहा है। इसका मतलब b के माने 6 दिया है, और q के मान qa है, और r के मान कभी 1 है, कभी 3 है, कभी 5 है, r के मान चेंजिंग हो रहा है। तो क्या यहां समझे कि ये जो लिखा है bq+r के रूप में लिखा है, bq+r। तो यहां हम मानेंगे सब में एक कॉमन हम क्या देख रहे हैं, b के मान 6 6 6 है। तो यहां b के मान हमें क्या दिया है, 6। b के मान कितना दिया है, 6। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें पता चल रहा है। और ये अब क्या बोला है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक यहाँ देखिए 1 3 5 सब के सब धनात्मक है, तो यहाँ हम धनात्मक लिखेंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ 1 है 3 है 5 है, ये क्या है हमारा आर के मान, ये है ना किनारे किनारे आर के मान होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ बी का मतलब होता है भाजक, अर्थात जिसे आप भाग देते हो, तो भाग देने वाला कौन है, बी। एक बात बताओ बाबू, जिससे हम भाग देते हैं उससे शेष हमेशा छोटा होता है ना, तो भाग देने वाला 6 है, इसका मतलब शेष नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 4, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, नहीं तो 0, इसी में से ना शेष इधर उधर घूमेगा, क्योंकि भाग देने वाला बी के मान कितना, 6 है। तो जिस अंकों से आप भाग दे रहे हैं उससे शेष हमेशा छोटा होता है। इसका मतलब यह है कि बी के मान यहाँ 6 है, तो शेष हमारा 6 से कम होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, होगा ना। तो इसी को हम मानेंगे कि अब देखो परीक्षा में यदि मान लो हम यहाँ 6q के जगह पर 4q होगा, तो बी के मान यहाँ हम लोग 4 रखेंगे, बी के मान कितना रखेंगे, 4। क्यू के बगल में जो अंक होगा ना, समझिएगा बी के मान है, बी के मतलब उससे हमें भाग देना है। और एक और बात, जो यहाँ बी के मान होगा ना उससे कम सब शेषफल होता है, इससे कम कौन है, और मान लीजिए बी के मान 4 होता तो शेषफल कितना होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता, 0 होता, समझ रहे होगा। तो जितना भाग देने वाले अंक है उससे कम आपका शेषफल होता है। यहाँ भाग देने वाला कौन है, 6 है, इसका मतलब शेषफल कितना होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 4, नहीं तो 3, नहीं तो 2, नहीं तो 1, नहीं तो 0, बस इतना होगा ना। इसी को भाषा में उतार देना, ठीक ना बाबू। चलो ये तो हमारे बाबू सब बुझ लिया कि कब बी के मान होगा। हम जब हल करने की सोचते हैं, हल जब करेंगे हल, तो सबसे पहले लिखेंगे, माना कि ध्यान से सुनो, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि जो बोला है वही हम मान लेते हैं। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ एक मान गायब है, इसलिए हम ए मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन होगा तो ऐसा ही मानोगे, तथा बी बराबर कितना मानोगे, बी के मान अब यहाँ खोजो, बी के मान यहाँ 6 दिया है ना, 6 6, यानी कि बी बराबर 6 है, हो गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखो बाबू, इसका रूल नहीं होता, बस एक मेथड होता है, उस मेथड के जरिए हम बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। तो इस पर अगर 4q+1 है, 4q+ कुछ कुछ हो, तो ऐसा ही विधि लिखने का तरीका यही है, बस q के बगल में जो अंक होगा यहाँ बदल देना, अगर 5q होगा तो यहाँ 5q, यहाँ 6 होगा तो 6, 7 होगा तो 7, बस। अब इसके बाद ये लाइन तो हमेशा लिखना होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, और करने पर जब लिखोगे प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, एक बात बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a बराबर bq प्लस आर, जहाँ क्या होता है, जहाँ बोलो क्या होता है, जहाँ होता है जीरो से बड़ा या बराबर, जीरो से नहीं तो बड़ा होता है, नहीं तो जीरो से बराबर होता है, कौन, भाज देने वाले अंक अर्थात बी, और भागफल से शेष न शेषवा की बात होता है, शेष जीरो से बड़ा होगा नहीं तो बराबर होगा शेष, नहीं तो बी से छोटा होगा, भाग देने वाले से छोटा होगा, ठीक है। अब इसे लिखोगे, अब इसको
जहां जहां बाबू ने बी माने हो, जहां जहां बी माने हो उसके जगह पर क्या भरोगे, छ। यहाँ लिखोगे ए बराबर, यहाँ बी है तो बी के जगह पर क्या लिखेंगे, छ लिखेंगे, यहाँ छ लिखो। यहाँ क्यू के मान नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्यू के मान नहीं दिया है। यहाँ देखो आर के मान एक तीन पांच दिया है, तो आर के मान तीन जगह तीन आइटम लिखोगे, नहीं केवल आर ए छोड़ देना, आगे चलकर हम मान भर लेंगे। छ क्यू आप प्लस आर ए छोड़ दो क्योंकि आर के मान यहाँ तीन कलर के है, तो तीन कलर के कैसे भरोगे, इसलिए आर छोड़ दो। जीरो से बड़ा या बराबर आर, और यहाँ बताओ बी बी है ना, तो बी के जगह पर क्या लिखोगे, छ। इसे मान लो समीकरण एक, इसे मान लो समीकरण एक, इसे मान क्या मान लो समीकरण एक। अब यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब एक बात बताओ, अगर हम इसमें आपसे कहें कि भाग देने वाला छ है तो आपका संभावित शेषफल कितना होगा, आप इसमें संभावना क्या लिखेंगे कि हमारे पास संभावित शेषफल कितना होगा, यहाँ संभावित शेषफल, संभावित शेषफल का मतलब होता है अगर हमारे पास भाग देने वाला तीन है तो संभावना है कि तीन से नीचे ही शेष आपका होगा, संभावना है कि छह से नीचे ही शेष होगा। जितना भाग जिस अंक से आप दे रहे हो उससे नीचे शेष होता है, तो भाग देने वाला छह है तो संभावित शेषफल कितना होगा, संभावित शेषफल होगा जिसे हम आर बोलते हैं, शेषफल कितना होगा, नहीं तो जीरो होगा, नहीं तो एक होगा, नहीं तो दो होगा, नहीं तो तीन होगा, नहीं तो चार होगा, नहीं तो पांच होगा। क्या पांच से ऊपर शेष हो सकता है, भाग देने वाला ये है तो छह से नीचे ही ना शेष होगा। अगर भाग देने वाला दस होगा, बी के माने यहाँ दस होगा, तो भाग देने वाला दस है इसका मतलब शेष कितना होगा, जीरो से लेकर नौ तक होगा। भाग देने वाला छिहत्तर है तो शेष कहाँ तक होगा, पचहत्तर तक होगा, बुझा। भाग देने वाला सतहत्तर है तो शेषफल कहाँ तक जाएगा, एक दो तीन चार पाँच एक आठ छिहत्तर तक जाएगा। तो ये तो बात समझ लिया कि जितना बी के मान होगा उतना संभावित शेषफल उससे कम होगा, ठीक। अब देखो समीकरण एक में, अब यहाँ लिखोगे समीकरण एक में, समीकरण एक में आर बराबर जीरो एक दो तीन चार पाँच रखने पर, अभी बारी बारी से रखते रहो, समीकरण एक जो लाइनिया है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें मत भरना, इसमें नहीं, जहाँ ना बताता है हमारा मेन हमारा जो समीकरण है यही है, तो इसमें हम भरेंगे, कभी जीरो भरेंगे, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पांच। अगर संभावित शेषफल मान लो कि तीन तक है तो यहाँ तीन तक लिखना, इकट्ठे भरा जाता है। और समीकरण एक में क्या है, इसलिए समीकरण एक में बाबू क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ये बराबर छ है तो छ, क्यू है तो क्यू प्लस। अब यहाँ देखो आर के मान पहले क्या भरेंगे हम लोग, जीरो, क्या भरेंगे, जीरो, उसके बाद एक भरेंगे, पहले जीरो भरेंगे, तो जीरो जोड़ने का मतलब ये कुछ नहीं होगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, छ क्यू लिख सकते हैं, जीरो का मतलब क्या होगा, कुछ ना। तो समीकरण एक तो हो गया, समीकरण एक तो हो गया, अब लिखेंगे ए बराबर छ क्यू प्लस। अब यहाँ जीरो मान भर लिए हो, जीरो मान भर लिए हो तो अब क्या भरोगे, एक भरोगे, यहाँ लिख लो एक, अब क्या भरोगे, दो, अब क्या भरोगे, दो, ए बराबर होगा छ क्यू प्लस दो, लिखो छ क्यू प्लस दो, उसके बाद ए बराबर छ क्यू प्लस तीन लिखोगे, छ क्यू प्लस तीन, उसके बाद छ क्यू प्लस चार, ए बराबर छ क्यू प्लस चार, केवल आर की जगह पर भरना है, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे छ क्यू प्लस पांच, ये आखिरी है, लिख देना तथा ए बराबर छ क्यू प्लस पांच, हो गया। जब इतना बात कर लेगा, इतना कहानी कर लेगा, कोई दिक्कत है, देखो हर एक जो हमारा समीकरण है ना, ए बराबर छ क्यू प्लस आर दिख रहा है, ए क्यू प्लस छ क्यू आर यहाँ जो दिख रहा है, इसी में हम भरते हैं केवल आर के मान में भरेंगे, केवल आर के मान। जब इतना बात लिख दोगे तो हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था छ क्यू प्लस एक, छ क्यू प्लस तीन, छ क्यू प्लस पांच, भाषा में पढ़ सकते हो, यही सिद्ध करना था तीनों, तो अब लिख देना अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, आज जो भाषवा में है ना, पूरा भाषवा में है, वही आंसर बन जाता है, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करना है, तो वही भाषा हमारा आंसर बन जाएगा। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक छ क्यू प्लस एक या छ क्यू प्लस तीन या छ क्यू प्लस पांच के रूप में होता है, के रूप में होता है। ये हुआ आपका करेक्ट आंसर, बुझा। तो ये क्वेश्चन नंबर एक बाबू ऐसा ही हुआ, उम्मीद करते हैं बात समझ में आया होगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दो हो गया। क्वेश्चन नंबर दो के भाषा बहुत लंबा है, इस भाषा को आप बढ़िया से समझ सकते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन है, कह रहा है किसी परेड में, छ किताब है, लिखेंगे तो टाइम लगेगा इसलिए पढ़ देते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना के टुकड़े
616 सदस्य हैं। कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्य कितना है, कुल सदस्य है 616। अभी 600 सदस्य है, कुल सेना की संख्या कितना है 616। और देखो 32 सदस्य वाला एक आर्मी का टुकड़ा बनाना है और 600 में कितना कर देना, 32 32 टुकड़ा को कर देना है। 32 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मोर्चा करना है। दोनों समूहों का समान वाली मतलब समान समान जनसंख्या होनी चाहिए, समान वाले स्तंभों का मोर्चा करना है, मोर्चा करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, अधिकतम अधिकतम मतलब अधिक से अधिक, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक मतलब एचसीएम। अगर बोला होता न्यूनतम तो हम एलसीएम निकालते, ये बोला है अधिकतम, अधिकतम का मतलब एचसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, तो अब लिखेंगे तथा तथा परेड वाली संख्या कितना लिखना है, 32 ना बोला है, टुकड़ों की संख्या सेना आर्मी पर आर्मी बैंडों की संख्या, आर्मी बैंड की संख्या कितना बनाना है, 32 32 बनाना है, 32 32 बनाना है बराबर 32। अब यहां लिखना 616 तथा 32 में यूक्लिड विभाजन ये विभाजन समझना, विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर लिख लेना पूरा, क्योंकि इसमें हम एचसीएफ निकालेंगे। क्यों, क्योंकि बोला है अधिकतम कितना होगा। अब देखो वही विधि है, पहले क्या करो 616 में 32 से भाग दो साइड में कहीं, तो भाषा में उतार सकते हो, और 616 में 32 से भाग देगा तो कितना बार में कटेगा बाबू, 32 से भाग देगा ना, 32 अनैसहा होता है 608, 8 से आएगा, फिर से ऐसे करो 32 यहाँ उतारो, 8 ना कितना, 8 चौको कितना हो जाएगा, 8 चौको हो जाएगा 32, 8 चौको 32, यहाँ 8 हमारा क्या होगा आंसर हुआ, मतलब 8 वो परेड बनेगा, कितना परेड बनेगा 8 वो, यहाँ इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जो जैसे एचसीएफ निकालते हो ना 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 जैसे एचसीएफ निकाला था कल के वीडियो में, ठीक उसी प्रकार इसे भाषा में सजा देना है। जहां जहां क्या होता है बाबू, जहां 0 से बड़ा या बराबर आर होता है और बी से क्या होता है छोटा होता है। ठीक है, अब इसको सजा दो, अब यहाँ सजाओगे सबसे अंदर वाला सबसे बड़ा जो अंक होता है बाहर ही लिखते हैं, 616 बराबर 32 के पहला कितने बार पढ़ेंगे, बाहर बाहर गुणा होता है तो 32 में 19 में गुणा करेंगे और प्लस चेंज कितना आया है 8, फिर से लिखेंगे तथा और दूसरा चरण में क्या आया है 32 अंदर है तो 32 अंदर के बाहर लिखो और किनारे किनारे गुणा करो, 8 × 4 लिखो, 8 × 4 प्लस में हो जाएगा 0 शेष फल, इसलिए बराबर कितना हो गया, शेष बराबर हो गया, शेष फल बराबर हुआ 0। अधिकतम संख्या कितना होगा 8 होगा, 8 हमारा एचसीएफ हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इधर वाला मत लिखना, इधर वाला मैं ये साइड में कहीं हॉल करते हैं, ठीक ना, ये हमारा आंसर हुआ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि वो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अगले वीडियो में होगा। थैंक यू।